खबर बैतूल जिले से है, जहां जिला अस्पताल में एक प्रसूता की नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया और कलेक्टर से मामले की शिकायत की, जिसके बाद संयुक्त कलेक्टर की ओर से जिला अस्पताल पहुंचकर मामले की जांच की जा रही है। रात्रि को बैतूल बाजार की श्रीमती पूनम पवार यहाँ पर डिलीवरी के लिए आई थी। रात को डिलीवरी हुई है और फिर उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। उस पर परिवार वाले भी यहाँ है, तो मृत्यु किन कारणों से हुई है? परिवार वालों का ये ऐसा कहना है कि डिलीवरी सामान्य अवस्था में हुई है और फिर मृत्यु हो गई है। कुछ दवाइयाँ इंजेक्शन लगाने का परिवारजन बोल रहे हैं, उस संबंध में परिवारजन के बयान लिए जा रहे हैं और जो भी उसमें जांच की जा रही है, जांच में जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। 4 बजे यहाँ भर्ती करवाई कल, बढ़िया उसको दर्द चालू हो गया था, बढ़िया उसकी यानी सीजर से ये नॉर्मल डिलीवरी हुई, बढ़िया 1:31 पे डिलीवरी हो गई। उसके बाद इनने वार्ड में लेके जाके कर दी, वहाँ पे फिर उसको बुखार आया, बुखार आने के बाद उसको मैडम को बुलाया, मैडम ने एक इंजेक्शन लगाया, और आधा घंटे बाद ख़त्म हो गया। क्या लग रहा है, कैसे जाने? अब वो इंजेक्शन से हुआ होगा, जो भी हुआ काय से हुई अब वो बताए कि भाई किस चीज़ से ख़त्म हुई, कैसी हुई। अब उनने एक इंजेक्शन लगा दिया और सो गए। पहले क्या दर्द हो रहा था कि कुछ नहीं, दर्द वर्द नहीं, वो बुखार था उसको।